तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ में मेरी रेफरल लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये है मेरी आम स्पोर्ट्स मॉल 16 हरी की रेफरल। तो दोस्तों, इस पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। मेरी रेफरल लिस्ट चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वो सारे मेरे चैनल पर हैं। तो वैसे मैं इसकी शूटिंग वीडियोस बनाता हूँ, पर आज दोस्तों ये काफ़ी नॉर्मल वीडियो है। नॉर्मल का मतलब बेसिक वीडियो है, जो थोड़े एयरगन में एक्सपर्ट है उनको तो नहीं लगेगी, पर मेरे को ऐसे लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम एयरगन बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो मतलब थोड़े बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे से लोग पूछते हैं कमेंट्स में बार बार कि भाई इस एयरगन पर क्या लग जाएगा स्कोप, उस एयरगन पर लग जाएगा क्या स्कोप। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कोई भी एयरगन जिसका ये ऊपर वाला पार्ट जो ये सिलेंडर होता है, ये अगर फ्लैट है तो उस पर स्कोप लगाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है लग नहीं सकता, लग सकता है पर मुश्किल है। पर कोई भी गन जो आजकल मॉडर्न गन्स आ रही हैं एयरगन्स, उन पे ये देखिए, ये जो पट्टी है लोहे की, ये इसको कहते हैं 11 मिलीमीटर डफ टेल। ये फ्लैट है तो इसलिए इसको कहते हैं डफ टेल। एक होती है वीवर रेल भी होती है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे नॉचेज होते हैं, पर ये है डफ टेल, और ये 11 मिलीमीटर है। 11 मिलीमीटर से मतलब इसकी जो विथ है वो 11 मिलीमीटर है। तो जिस भी गन में 11 मिलीमीटर की ये डफटेल होगी, ये बस एक पट्टी होती है स्टील की, ये देखिए, उस पर कोई भी स्कोप साइट कुछ भी लग जाएगा। जैसे ये देखिए, ये वाली जो है यहाँ पे, एक 20 मिलीमीटर भी होती है, वो इससे थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, पर आजकल जो चल रही है वो 11 मिलीमीटर ही चल रही है। और यह सबसे नॉर्मल है, बिल्कुल फ्लैट वाली डफटेल होती है जिसमें नॉचेज होती हैं, वो वीवर रेल होती है। तो जिस गन में ये होगी उस पर ये लग जाएगा बहुत आराम से स्कोप। पर अगर मेरे से लोग पूछते हैं जिस गन पे ये नहीं है तो उस पर कैसे स्कोप लगाएं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ तो आपको ये वीवर रेल कहीं से कस्टम मेड वेल्डिंग वाली शॉप से बनवा के वेल्ड करानी पड़ेगी। पर मैं वो रिकमेंड नहीं करता यार, गन की लुक खराब हो जाती है। आप ऑनलाइन जाके जैसे airgunbazaar.in पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कई ऐसे स्कोप भी मिल जाएंगे जो बिना, जैसे AK550 है वो अच्छी एयरगन है पर उस पर स्कोप नहीं लगता, उस पर डफटेल नहीं है। तो एयरगन बाजार वालों के पास कोई ऐसे स्कोप आ रहे हैं जिनको आप बिना डफटेल की हो, चाहे आपके बिना डफटेल हो, उसके अंदर 11 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के कोई अडेप्टर आते हैं, जिससे बिना इस मतलब डफटेल के भी आप अपनी एयरगन पे स्कोप लगा सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए उनको जाके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय दोस्तों।